गाजियाबाद में एक दूल्हे को अपनी शादी के दिन जेल की हवा खानी पड़ी। दूल्हा दूसरी शादी करने के फिराक में था, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हे की बीवी मौके पर पहुंच गई और दूल्हे को थाने पहुंचा दिया गया। थाने में बैठे दूल्हे राजा नितिन अपनी शादी के दिन मंडप से सीधे हवालात पहुंच गए। आरोप है कि नितिन शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर रहा था। ऐन वक्त पर उसकी पहली बीवी मंडप पर पहुंच गई और शादी रुकवा दी। पहले मेरे से शादी करके 2008 में मैं गाजियाबाद आई थी यहाँ पर, और 2008 में जब से ये मेरे साथ है, मुझे रूम दिलाया इसने, रूम के बहाने से इसने मेरे से दोस्ती कर दी। दोस्ती के 2008 से 2010 तक मेरे साथ रहा है। 2011 में जब मैंने इस पे कहा कि ऐसे तुम मेरे घर आ रहे हो, रोज मेरे घर में आते हो, सब देखते हैं, इसने मेरे से शादी कर ली। आना जाना शुरू कंटिन्यू रहा, इसके 5-6 महीने मेरे साथ रहा कंटिन्यू, सुबह शाम मेरे घर में। नितिन ने करीब 2 साल पहले अपनी प्रेमिका ज्योति से आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई थी। नितिन की दूसरी शादी की खबर मिलते ही ज्योति ने पुलिस में शिकायत की। आज लड़का चैंपियन होटल में दूसरी शादी किसी अन्य लड़की के साथ कर रहा था, जिसको मौके पर जाकर रुकवाया गया और अभी जांच जारी है। इस पूरे मामले में लड़के वाले कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। अनुज चौधरी, सहारा न्यूज ब्यूरो, गाजियाबाद।